ओम शांति। आज तारीख है 15/7/2020। प्रत्यय मुरली ओम शांति बाप दादा मधुवन। मीठे बच्चे, तुम्हें सच्चा सच्चा वैष्णव बनना है। सच्चे वैष्णव भोजन की परहेज के साथ साथ पवित्र भी रहते हैं। प्रश्न है आज का, कौन सा अवगुण गुण में परिवर्तन हो जाए तो बेड़ा पार हो सकता है? उत्तर, सबसे बड़ा अवगुण है मोह। मोह के कारण संबंधियों की याद सताती रहती है। बंदरी का मिसाल है, किसी का कोई संबंधी मरता है तो 12 मास तक उसे याद करते रहते हैं, मुँह ढककर रोते रहेंगे, याद आती रहेगी। ऐसे ही अगर बाप की याद सताए दिन रात, तुम बाप को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। जैसे लौकिक संबंधी को याद करते, ऐसे बाप को याद करो तो अहो सौभाग्य। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते, ओम शांति। शुक्रिया बाबा आपका। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला पॉइंट, जैसे बाप अपकारी पर भी उपकार करते हैं ऐसे फॉलो फादर करना है। कोई कुछ बोले तो सुना अनसुना कर देना है, मुस्कराते रहना है, एक बाप से ही सुनना है। दूसरा पॉइंट, सुखदाई बन, सबको सुख देना है, आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है। समझदार बन, अपनी झोली अविनाशी ज्ञान रत्नों से भरपूर करनी है। वरदान है शुद्ध संकल्प के व्रत द्वारा वृत्ति का परिवर्तन करने वाले दिल तख्त नशीन भव। वरदान है डिटेल से, बाप दादा का दिल तख्त इतना प्योर है कि जो इस तख्त पर सदा प्योर आत्माएं ही बैठ सकती हैं। जिनके संकल्प में भी अपवित्रता या मर्यादा आ जाती है तो वह तख्त सीन के बजाय गिरती कला में नीचे आ जाते हैं। इसलिए पहले शुद्ध संकल्प के व्रत द्वारा अपनी वृत्ति का परिवर्तन करें। वृत्ति परिवर्तन से भविष्य जीवन रूपी सृष्टि बदल जाएगी। शुद्ध संकल्प व दृढ़ संकल्प के व्रत का प्रत्यक्ष फल है ही सदा काल के लिए बाप दादा का दिल तख्त। स्लोगन है आज का, तन और मन को अमानत समझकर चलेंगे तो अनासक्त रहेंगे और रूहानियत आएगी। अच्छा, ओम शांति। आप सभी भाई बहनें, बाबा के मीठे बच्चे, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नेक्स्ट मुरली की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अच्छा, ओम शांति।